फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है टीचर्स डे और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इसमें से बहुत से लोग टीचर भी हैं, तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे। और सबसे पहले तो टीचर्स डे की बधाई अपनी माँ को दीजिए आप लोग भी और मैं भी, क्योंकि जो सबसे पहले जो टीचर होती है ना, मेरा ऐसा मानना है वो मदर होती है। तो सबसे पहले जो टीचर्स डे की शुभकामनाएं मैं दूंगी, वो मैं अपनी मम्मी को दूंगी और आप लोग भी अपनी मम्मी को दीजिएगा। तो चलिए, आज टीचर्स डे का जो ये सेलिब्रेशन स्कूल में वो करती हूँ, उसके लिए मैं चलती हूँ। और मैं जल्दी जल्दी रात को आई हूँ, मैं अम्बाला से आई हूँ, रात को पहुँची हूँ मैं 9 बजे। सब कुछ करते करते रात को लेट सोई और फिर सुबह वही तैयार होना था, टीचर्स डे था, स्कूल में सेलिब्रेशन था तो भागना था, तो बस जल्दी से तैयार हुई हूँ। और पूजा करते करते इतने पसीने हो गए, देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ गणपति बप्पा की आरती करते करते इतने पसीने हो गए, ऐसा लग रहा है पसीने में क्या कोई मेकअप करे। तो चलिए चलती हूँ स्कूल में। तो यहाँ पर स्कूल में पहुँचने के साथ ही ये छोटी सी बच्ची, देख सकते हैं आप लोग, मुझे कितना प्यार करती है, गिफ्ट लेके आ गई है, चॉकलेट बहुत ज़्यादा। और कुछ बच्चों ने कार्ड भी बनाए हैं, कार्ड्स भी ले आए हैं छोटे बच्चे। थैंक यू बेटा जी। चलो, हम लोगों ने जो है फ्रूटी का ट्रेट्रा पैक मंगा लिया है और ये छोटे 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 भुजिया के, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे तो हम लोग ये स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा अपना काम भी कर रहे थे और साथ में खा भी रहे थे। और टीचर्स डे के लिए बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड रहती हैं। तो यहाँ पर केक भी कट रहा है और पूरा स्टाफ यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, मतलब जो हो सकती हैं। और कुछ टीचर्स की ड्यूटी भी थी मार्किंग में तो नहीं जा पाई, तो मैं भी नहीं जा पाई थी। खैर, तो बस जैसे जैसे जिस टीचर्स की मतलब ड्यूटी ख़त्म हो रही थी, जो फ्री हो रहा था, वो आके अपना केक जो है वो टेस्ट करके जा रहा था, क्योंकि बच्चों का दिल ना टूटे तो ये भी ज़रूरी था। बच्चे बहुत खुश होके किए थे ये सब टीचर्स के लिए। ये देखिए, फ़ोटो भी शूट होता जा रहा है साथ में। तो अब यहाँ पर हमारी जो थोड़ी सी मस्ती शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चे अब जा चुके हैं और अब सिर्फ स्टाफ है, तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डांस और ये गेम के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। गेम के बाद हमारी प्रिंसिपल मैम ने मुझे मोस्ट फेवरेट टीचर का जो ये गिफ्ट दिया है, तो मुझे ही नहीं, मतलब 50 टीचर में से कम 10-12 टीचर्स को मिला है कुछ ना कुछ। मैम के निगाह में जो जैसा था, ये प्रिंसिपल मैम ने डिसाइड किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्कूल से आ गई हूँ और देखिए एकदम लदी फंदी आई हूँ, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। कारण ये है, ये मुझे गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट क्या है अभी पैकिंग खोलती हूँ मैं, पहले मैं दरवाजा बंद कर लूँ। तो फ्रेंड्स, ये पैकिंग में क्या गिफ्ट मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो गिफ्ट मिला है वो मुझे मोस्ट फेवरेट टीचर का गिफ्ट हमारी प्रिंसिपल मैम ने अपने हाथों से दिया है। हमने गेस करवाया सबको कि वो कौन सी टीचर है जिनके पास छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सब बोलते हैं मैं उस मैम के पास बैठूंगा, मतलब उस मैम के पास बैठना चाहते हैं। तो सबने फट से मेरा नाम ले लिया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती कि हाय बहन, इतनी मतलब इतना बच्चे मुझे पसंद करते हैं कि सभी बच्चे स्कूल के छोटे हो या बड़े हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके लिए मुझे ये गिफ्ट दिया है मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने बोला, मैम इस बच्चे की जुबान को सुनो संगम मैम ही निकलता है, तो इसलिए ये गिफ्ट आपको जाता है मोस्ट फेवरेट टीचर का। बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ और आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं ऐसे एक एक सीढ़ियां आगे बढ़ती जा रही हूँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जो है वो मुझे इतना आगे ले जा रहा है। तो इस पैकिंग को खोलती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है इसमें है क्या चीज। आप लोगों से जुड़ी हूँ ना, वाकई में बड़ा दिल का कनेक्शन हो गया है और आप लोगों का प्यार जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हो ना, बस वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मुझे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ। कई बार होता है ब्लॉग नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बिजी इधर चल रही थी, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करूं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए, अभी मुझे शाम को फिर से जाना है, अभी ये स्कूल का सेलिब्रेशन था। मैं गिफ्ट खोलती हूँ और दिखाती हूँ, और ये ट्रॉफी मैं दिखाती हूँ, ये वाली कल वाली ट्रॉफी भी अभी मेरी ऐसी रखी है।
ये मेरा देखिए स्टार अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड। अब इसको मैं पैकिंग करती हूँ। अभी मेरा कीर्तन का भी सामान सारा ऐसे ही पड़ा है टोकरी, क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। कीर्तन के बाद तो दूसरे दिन सुबह ही मुझे 3 बजे उठना पड़ा। अच्छा वाओ, ये हैं कांच के ग्लास, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ग्लास हैं, और मुझे सच में ग्लास की ज़रूरत भी थी। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है, छुटकू छुटकू से, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत सुंदर लगेंगे। वाह वेरी गुड। तो इसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया हमें। खाना नहीं बनाना तो मैं एकदम फ्री हूँ, तो मैं फटाफट ये अपने ताम झाम, ये भी देखिए, ये भी श्रेया लाई थी दिल्ली से। मतलब जो भी मेरा आप सोच सकते हैं, कोई भी चीज़ मैं हिसार से नहीं, बहुत कम लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं हिसार से लेती हूँ, अदरवाइज मैं शॉपिंग सारी दिल्ली से ही करती हूँ, क्योंकि मैं जाती ही रहती हूँ हमेशा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी श्रेया नहीं है तो अब थोड़ा कम जाना होगा, इसीलिए मैंने सारा सामान अपना स्टोर कर लिया है कि मुझे जल्दी से लेना ना पड़े। जब श्रेया कभी आएगी 1-1.5 साल में, तब फिर ले लूंगी। तब तक मेरा काम चल रहा है। और गणपति जी देखिए पीछे बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। So I'm Sindhya Sanchi here, and if you remember, अगर आप देखते सकते कोविड के टाइम में, जब भी जैसे मैं न्यूज आती थी कोविड का, सबसे पहले हरियाणा में NRC मिस्टर, दैट वाज माय लैब। बच्चा मेरे पास जब रोते हुए आता है हमारे पास स्कूल में, अपने पेरेंट्स को छोड़ते हुए आता है, अब मुझे भी किसी अनजान लोगों के बीच में बिठा दो तो मैं खुद भी एक अनईजी फील करती हूँ। वो टीचर, नर्सरी वाली टीचर मेरी, उस बच्चे को लेकर चुप कराती है, गोद में लेती है, माँ की तरह प्यार करती है, उसको खाना खिलाती है, उसके साथ जोकर बन के खेलती है, और फिर वो उसको रेडी करती है, फिर धीरे धीरे वो बुक्स वगैरह, नोटबुक्स की आदत डालना, उसको वॉशरूम ट्रेन करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ खेलना, उसको असेंबली में रो में प्रॉपर खड़े होना सिखाना, और फिर धीरे धीरे एंड तक वो बच्चा असेंबली में पोयम वगैरह अपनी बोलने भी लगता है। तो फिर वो हमारे पास LKG में, फिर UKG, फिर मेरे पास +2 में आता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि नर्सरी टीचर सबसे ज्यादा एफर्ट करती है, और अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ किसी की भी, नर्सरी मैम अगर छुट्टी पर है, अगर मैं किसी भी टीचर को कहूँ मैडम एक पीरियड वहाँ ले आओ, तो वो टीचर सारे आ जाते, नहीं मैम नर्सरी में नहीं जाना, क्यों भाई सब पागल होकर जाते हैं। नर्सरी टीचर को कह दूं कि मैडम आज तो गेम्स वाले सर आपके बच्चे ले गए, आपका तो ये फ्री है, आप चले जाओ सीनियर में, तो वो तैयार हो जाती है और कुछ सिखा कर आती है, और खुश होकर जाएगी, और खुश होकर आती है, और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं उनसे कि हाँ मैडम हमने अपने आप से नर्सरी में पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो सभी टीचर्स अभी मतलब तारीफ के काबिल हैं, बट नर्सरी टीचर हमारे स्कूल की नींव बनाती है। PRTs में, प्राइमरी में जो भी नर्सरी टीचर है उनके लिए हेल्प। इसके बाद ममता मार्टिन, अब ये जो है मेरा ये सम्मान पत्र देख सकते हैं आप लोग, संगम पांडे वाला, जो हमारा शाम को अभी प्रोग्राम था वहाँ पर हमें मिला है। और बस बहुत लेट हो गई हूँ, अब करूँगी अपने गणपति पप्पा की आरती वगैरह। देखिए मेरे गणपति बैठे हुए हैं, तो उनकी आरती करूँगी, उसके बाद मैं इस वीडियो की करती हूँ एंडिंग। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। पजी की ज्योति जो है वो जल चुकी है, और अब मैं कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना लेट हो गई हूँ। और आज का क्वेश्चन भी लगे आप पूछ लेती हूँ, आपका जो ये क्वेश्चन है वो ये है कि किसके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है, तो फिर सही आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। और देखिए मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, करते करते मैं बनाने लगती हूँ फटाफट अब सब्जी, रोटी सब्जी बनानी है जल्दी से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तक के लिए बाय।